मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, थाना राया क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के समीप कृषि अनुसंधान केंद्र के पास एक अज्ञात युवती का शव मिला है। युवती के शव को ट्रॉली बैग में बंद करके फेंका गया। सूटकेस में मिले शव से क्षेत्र में सनसनी है। मृतक युवती की उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है और युवती की हत्या कर शव को सूटकेस में रखकर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर मथुरा से। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ये लाश मिली है। सूटकेस में बंद युवती का शव मिला है और कृषि अनुसंधान केंद्र के पास ही युवती का शव मिला बताया जा रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 22 साल लगभग इस युवती की उम्र बताई जा रही है। एक और सनसनीखेज मामला यह हत्याकांड। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास इस युवती का शव मिला है, कृषि अनुसंधान केंद्र के पास। 22 साल लगभग अवस्था, ट्रॉली बैग से मिला है युवती का शव और शव को बैग में बंद करके फेंका गया था। हत्या करके शव को फेंकने की आशंका है पुलिस को और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उम्र करीब 22 साल बताई जा रही है मृतका की। यमुना एक्सप्रेसवे के पास युवती का शव मिला है। यह बड़ा सनसनीखेज मामला। मथुरा के पास यह शव मिला है, ट्रॉली बैग में मिला है और अब पुलिस के लिए चुनौती इस हत्याकांड की जांच करना और हत्यारे तक पहुंचना। आशंका इस बात की कि हत्या करके शव को सूटकेस में बंद करके फेंका गया है। ऑनलाइन पर है हमारे संवाददाता अनिल सारस्वत। अनिल, क्या आपके पास जानकारी है इस घटनाक्रम के बारे में? जी रायन जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला थाना राया क्षेत्र का है। यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे से कट नीचे उतरता है जो कि मथुरा के लिए और अलीगढ़ वाली रोड को टच करता है। वहीं से संभवतः ये जो भी लोग इसको सबको गाड़ी में रखकर अपनी लाए होंगे तो उन्होंने नीचे सर्विस रोड पर लाकर यहाँ पर इस युवती के शव को फेंका है। वो एक बैग में, ट्रॉली बैग में बंद था सब, जिसको मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा है, उसको चेक किया है तो उसके अंदर जब बैग को खोला गया, वहां पर इलाका पुलिस को सूचना दी गई वहां के लोगों ने, तो वहां पर मौके पर पहुंची पुलिस तो उन्होंने उस सब बैग को खोला तो उसमें एक युवती का शव निकला है जिसको कि ट्रॉली पैक में पूरी तरह से पैक करके लाया गया था। और उस युवती की उम्र लगभग 22 साल बता रही है। युवती के चेहरे पर ऐसा लगाया जा रहा है अंदाज कि उसके साथ पहले मारपीट की गई है, उसके गले पर निशान देखे जा रहे हैं और ये संभवतः ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या कर शव को उसमें ट्रॉली पैक में पैक कर और बैग में रखकर यहाँ पर किसी अनजान जगह पर, सुनसान जगह यहाँ पर हो जाती है। ये सर्विस रोड है यमुना एक्सप्रेसवे किनारे की, तो संभवतः यमुना एक्सप्रेसवे से ही यहाँ पर सबको लाया गया होगा और उसको अनजान जगह पर, सुनसान जगह पर यहाँ पर फेंक कर वो लोग अपने मंसूबों में यहाँ पर कामयाब हुए हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगी है। इलाका पुलिस पूरी तरह से लगी है, फोरेंसिक टीम लगी है, वो पूरी जांच कर रही है और अभी देखना ये होगा कि कब तक ये लोग पुलिस की गिरफ्त में आ पाएंगे। जी अनिल, क्या जब इस सूटकेस को फेंका जा रहा था, जब ये शव को देखा गया, क्या उस वक्त मौके पर कोई मौजूद था, किसी ने देखा किसी व्यक्ति को सूटकेस फेंकते हुए, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? उस समय फेंकते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जब वहाँ से लोकल राहगीर, इलाका वासी, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो निकल रहे थे तो उन्होंने ब्रीफकेस को वहाँ पर पड़ा हुआ देखा। वो एक ट्रॉली बैग है और बड़ा ही कॉस्टली बैग देखा है, लग रहा है वो देखने में, तो उसको कहीं से लाकर उसको यहाँ पर छोड़ा गया था। लेकिन उसको छोड़ते हुए कौन यहाँ पर इस बैग को पटक कर गया है, कौन सी गाड़ी से आया, किधर से आया, उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता चल पा रहा है। यहाँ पर पुलिस, इलाका पुलिस इसमें पूरी तरह लगी हुई है और इसकी जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम पूरी मौके पर पहुंची है, उसकी बॉडी को कब्जे में लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है और अभी देखना होगा कि ये लोग कब तक इसकी बॉडी। चलिए, नजर बना के रखिएगा अनिल आप तब। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।